गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पौष्टिकता से भरी दलिया। तो इसके लिए हमने गार्लिक लिया, मिर्ची ली है, प्याज ली है, हाफ कटोरी कॉलीफ्लावर लिया है, हाफ कटोरी कैप्सिकम, एक गाजर लिया है और एक टमाटर लिया है, अच्छे से चॉप कर लिया है, और एक कटोरी मटर ली है। आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप वो सब्ज़ी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने दलिया को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, दोनों दाल को एक साथ मिला लिया है। एक कटोरी हमने दलिया ली थी और 1/4 कप इसमें हमने तुअर की दाल और 1/4 कप इसमें हमने मूंग की दाल मिलाई है जो पौष्टिकता से भरी होती है। और उसके बाद कुकर चढ़ाया हमने, कुकर में डाला है तेल, इसमें डाला है जीरा, हरी मिर्च और प्याज डाल के अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद जो हमने सब्जियाँ डाल के रखी थी, कट करके रखी थी, उसको भी इसमें डाल के अच्छे से चॉप कर लेना है, मतलब भून लेना है। और भूनने के बाद इसमें डालना है हमारे 1 चौथे टमाटर, ऊपर से नमक, और फिर थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया है हमारी धुली हुई दाल जो हमने धो के रखी थी, और दलिया जो हमने रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके और भून के रख, मतलब ड्राई रोस्ट करके और धुल के रखी थी, वो भी हमने इसमें डाल दी। और इनको भी थोड़ी देर अच्छे से भूनने के बाद आपको डालना है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर, और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी देर मसाले के साथ सब्जियों को अच्छे से भूनना है, और फिर डाल देना है पानी जितनी हमने ली है, मतलब उसे 1-2 कटोरी भर के पानी डाल देना है ताकि दलिया बिल्कुल सूखी सूखी ना बने, थोड़ी सी गीली बने तो ज़्यादा टेस्टी लगे। और ये हमारी पौष्टिक दलिया बन के तैयार हो गई है, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं गार्निश करके कोरिएंडर लीव्स से, और डालिए थोड़े से नींबू, और चाहे तो आप अचार के साथ इसको सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दलिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।